बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं पार्क कर लवर यूट्यूब चैनल। जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हुंडई सेंट्रो। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं हुंडई सेंट्रो सेकंड जनरेशन। गाड़ी की लुक्स आपके सामने है, फर्स्ट जनरेशन से सिमिलर ही है। इसकी फ्रंट से गाड़ी अगर देखें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी, कोई मेजर डिफरेंस गाड़ी की फ्रंट लुक में नहीं है। तो सबसे जो बेसिक वेरिएंट है वो है क्लब। क्लब के अंदर ना ही आपको फोग लैंप्स मिलेंगे, फोग लैंप्स आपको जो है एग्जेक्टिव में मिलेंगे। इनकी साइड प्रोफाइल अक्रॉस ऑल द वेरियंट सिमिलर है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलबत्त क्लब के अंदर आपको ब्लैक कलर के साइड मिरर्स मिलेंगे और ना ही व्हील कैप्स का ऑप्शन मिलेगा। व्हील कैप्स और बॉडी पेंटेड आपको साइड मिरर्स जो हैं वो एग्जेक्टिव में मिलेंगे। आई की तरफ से गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड 13 इंच के व्हील्स आते थे। अगर हम गाड़ी के पीछे आ जाएँ तो मेजर डिफरेंस फर्स्ट जनरेशन से गाड़ी की रेयर लुक में है। बहुत ही अगली लुक देती थी जो गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन थी, उसकी लाइट्स ऊपर थी। सेकंड जनरेशन में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत अच्छी लुक्स है। ये 2002 मॉडल है, 2002 के अंदर ये जनरेशन आई थी और डिफरेंस आपके सामने है। आपके स्क्रीन पे जो है फर्स्ट जनरेशन लुक भी आ रही होगी, तो काफ़ी मेजर डिफरेंस है और बहुत अच्छी लुक्स है गाड़ी की 2002 के हिसाब से। जो ट्रंक है वो आप अंदर से भी खोल सकते हैं और बाहर चाबी से भी। और ये गाड़ी का बूट खुल गया, काफ़ी बेहतर स्पेस है। मैं इसे कंपेयर करूंगा आज की अगर वैगन आर या कल्टस से देखें तो तकरीबन बराबर ही है। थोड़ा सा मुझे ये जो है वैगन आर से इसकी ट्रंक स्पेस बेहतर लग रही है। पीछे आपको एक हैंडल दिया हुआ है, इसकी मदद से आप डिगी को आराम से बंद कर सकते हैं। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलें। सबसे पहली फील इंटीरियर में बैठ के जो आपको आएगी कि फ़ील नहीं होता इस गाड़ी में बैठ के, लिटरली फ़ील नहीं होता कि आप 2002 की गाड़ी में बैठे हैं। और इंटीरियर की अगेन स्टेयरिंग पे हाथ रखते साथ क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। आप डैशबोर्ड पे 2002 मॉडल हो के आप इसकी क्वालिटी टच करके फ़ील कर सकते हैं, कोई क्रैक्स नहीं है। अगर आप इसके एसी वेंट्स देखें तो अपने ज़माने के हिसाब से वो भी काफ़ी यूनिक हैं। नीचे इधर है एम्प्टी बटन है जो कि बाहर के मॉडल्स में आते हैं। यहाँ पर एसी का नॉब आप देखें, इसकी भी क्वालिटी कोई इतनी हल्की नहीं है, टूट नहीं जाएगा। ऐसे नहीं लग रहा मुझे कि मैं थोड़ा सा इसे ऐसे करूँगा तो हाथ में आ जाएगा। 2002 मॉडल होने के बावजूद अच्छी हालत में है। नीचे दो कप होल्डर्स आ जाएंगे जिनका कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड के तौर पर आपको दिए हुए हैं। अगेन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये गाड़ी। इस वक्त मैं गाड़ी की रेयर सीट पे बैठा हूँ और आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, वो आपको एग्जेक्टिव में मिलेंगे या प्राइम में मिलेंगे। क्लब में आपको जो है हेडरेस्ट नहीं मिलते और सीट्स लिटरली काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लेग रूम हेड रूम काफ़ी है क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी है, तो हेड रूम का कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगते हैं, तो आपके पहला इंप्रेशन गाड़ी की पिक से पड़ता है कि गाड़ी की पिक कैसी है। इस केस में गाड़ी की पिक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस टाइम एसी चला हुआ है तो एसी के साथ जाहिर है थोड़ा सा गाड़ी आपको एक प्रोमिनेंट फील होगा, गाड़ी के अंदर प्रोमिनेंट डिफरेंस महसूस होगा आपको जब आप एसी चलाएंगे और एसी के बगैर पिक में। मगर एज अ फैमिली कार हम इसे एक रिव्यू कर रहे हैं तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, पिक वाइज भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इसमें सामान भर दें पूरा और 5 पैसेंजर्स के साथ गाड़ी चलाएं तो भी कोई इशू नहीं है। दूसरा इंप्रेशन होता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी की सिटिंग कंफर्ट कैसी है, तो सिटिंग कंफर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है इस गाड़ी की। सीट्स सिटिंग कम्फर्ट की बात करूँ तो लिटरली ये गाड़ी अपने कंपिटिटर से फार सुपीरियर है, स्पेशली कल्टस से कंपेयर करूँ। उसका फैब्रिक या सीट थोड़ी सी हार्ड है, इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से इसको ड्राइव करें, कोई इशू नहीं है। ड्राइव भी गाड़ी की काफ़ी स्मूथ है, अगर सस्पेंशन में काम हुआ हो तो कोई
इशू नहीं होता। ड्राइव स्मूथ है, सस्पेंशन सॉफ्ट है। कल्टस से कंपेयर करूँ, कल्टस की भी सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। सस्पेंशन वाइज इतना फ़र्क नहीं है, बल्कि ड्राइव हो सकता है आप उसकी ज़्यादा स्मूथ महसूस हो थोड़ा सा। कल्टस की ड्राइव ज़्यादा बेहतर है इससे, सेंट्रो से। देन उसके बाद मीटर गाड़ी का वाइट लाइट है इसके अंदर। ये एक चीज़ जो कि रात के वक्त ड्राइव जब आप करते हैं तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि इसके ना जो एसी वाला या जो सेंट्रल कंसोल है इसमें कोई भी लाइट नहीं है सिवाय ये आपका जो डिफॉगर है इसमें लाइट है और कहीं लाइट ऑफ नहीं है, तो बिल्कुल नज़र नहीं आपको आता। इवन आपने अगर एसी भी चलाना है आपको ये वाली लाइट ऑन करनी पड़ती है, जो कि बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन होती है जब रात को चला रहे हो जब ये वाली लाइट ऑन हो। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो इसके ये हमारे वाली गाड़ी का इशू है कि इसके अंदर शायद फ्यूज़ हो चुकी है या बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी के अंदर जो है वो सेंटर कंसोल में आपको लाइट्स नहीं मिलती, तो ये ज़रूर आप मुझे बताइएगा। उसके अलावा शीशे आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर है ये भी, वरना आपको बाहर से मेहरान वगैरह में या कोरे में या बल्टस में आपको बाहर से करना पड़ता है उसको सेट। ये अच्छा फीचर है। पावर स्टीयरिंग जैसा कि मैं बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर तीन वेरिएंट्स आते हैं, क्लब, एग्जेक्टिव और प्राइम। हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो है क्लब, जो कि सबसे बेसिक है, और क्लब सबसे बेसिक होती है, उसके बाद क्लब जीवी होती है। जीवी का मतलब होता है जिस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड आपको सीएनजी किट मिलती है वो होती है जीवी। तो ये क्लब है। क्लब और एग्जेक्टिव में बेसिक जो फ़र्क है वो पावर विंडोज़ का है, और इसके जो साइड मिरर्स होते हैं एग्जेक्टिव के वो बॉडी कलर के होते हैं। एसी की बात करूँ, जिस तरह अभी गर्मी का दिन है और शूट वगैरह करते हुए रिव्यू मुझे बहुत पसीना आ गया, तो एसी गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। एसी भी मुझे इसके कंपटीटर से बहुत अच्छा लगा, इसका सेंट्रो का एसी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। इसके हॉर्स पावर और टॉर्क के फिगर्स की, तो ये गाड़ी 61 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 97 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और जिस समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कि गाड़ी की क्या ड्राइव है, तो ठीक है। और मैं इसको 100 तक भी लेके गया हूँ तो गाड़ी अंडर पावर बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक और इशू जब आप लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को चलाएं तो उसके साथ होता है, वो है कि जब साइड से आपको कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक या बस हाई स्पीड में आपको ओवरटेक करे तो थोड़ा सा आपको झटका सा गाड़ी यानी कैसे हिलती महसूस होती है। ये सीन वैगन आर में भी मुझे फील हुआ था, इसमें भी हुआ है, शायद इसकी जो हाइट है उसकी वजह से है। इसका अक्सर लोग ये हल निकालते हैं कि इसके टायर बड़े लगवा देते हैं, लेकिन उससे आपकी फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होती है। फ्यूल एवरेज का जिक्र हुआ ही है तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी आपको बताता चलूँ। जो फ्यूल एवरेज मैं अब आपको बताने लगा हूँ वो टेस्टेड है, पूरा टैंक फुल करवा के, और जो प्रॉपर तरीका है फ्यूल एवरेज चेक करने का वो है। तो इस गाड़ी ने हमें 13 की फ्यूल एवरेज दी है, ऑलमोस्ट आप उसे हाईवे कह सकते हैं, नॉट मोटरवे, हाईवे। तो 13 की फ्यूल एवरेज है गाड़ी की विद एसी। स्पीडोमीटर में आपको जो है आरपीएम नहीं मिलता, ये भी मुझे काफ़ी मिस हुआ है कि होना चाहिए था। फिल्टर्स में आपको मिलता है आरपीएम, मेरा ख्याल है 1000 सीसी गाड़ी आरपीएम होना चाहिए था इसके अंदर, आरपीएम इसके अंदर मौजूद नहीं है, जो कि होता तो एक ज़रा अच्छी बात होती। और सीट बेल्ट भी आपको सिर्फ 2 आगे मिलती हैं, पीछे पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलती सीट बेल्ट। अभी मैं गाड़ी जंप से गुजारने लगाऊँ तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक हो जाएगा। इवन मैं गाँव भी लेके गए हम लोग, कोई इशू नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस का। 55 मिलीमीटर जो है इसका ग्राउंड से गाड़ी का फासला है, तो ठीक है। और प्रैक्टिकली भी मैंने गुजार के देखा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आर्म रेस्ट की भी कमी महसूस होती है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ और मैंने जो नोट की, इसके अंदर आपको क्लच के साथ फुटरेस्ट दिया हुआ है।